जैसे रुद्राक्ष की माला बनाई जाती है, रुद्राक्ष की माला जैसे बनाते हैं वैसे कौनों की माला बनाते हैं। तो कौनों की माला कितनी है? ये 16,108 क्या हो गई? एक और आख्यान आया है शास्त्रों में, अहिल्या को साप मिला था। किसने साप दिया था? गौतम ऋषि ने। अहिल्या ने क्या पाप किया? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन साप किस कारण दिया? कौन था वो सर? कुछ नाम था? हाँ, इंद्रदेव। तो सिर्फ अहिल्या को ही साप नहीं दिया, इंद्रदेव को भी साप मिल गया। नहीं मालूम क्या क्या साप मिला? हाँ, उनको साप मिला तुम्हारे सारे शरीर में कौड़ियां ही कौड़ियां हो जाए, स्त्री का अंग ही अंग, हजारों अंग तुम्हारे शरीर में लग जाए। ये सब बातें कहाँ की हुई? जैसे बैल को चारों तरफ कौड़ियां कौड़ियां दिखाई, ऐसे ही इंद्र के लिए बोल दिया उनके शरीर में हजारों कौड़ियां ही कौड़ियां, माने स्त्री अंग ही स्त्री अंग लगा दिए। ये साप मिल गया। कौन से जन्म की बात है? ये साप कौन से जन्म के लिए मिला? कौन सी युग के लिए मिला? न सतयुग के लिए मिला, न त्रेता युग के लिए, न द्वापर युग के लिए। कौन से युग के लिए मिला? संगम युग की बात है। और बाबा भी के बहुत बेहद कर माने इस समय बाबा जो बाबा का घर है, मधुबन कहो या मिनी मधुबन कहो, उससे ज्यादा मेहमान कहीं आते होंगे क्या? ये बेहद का अर्थ नहीं है। मधुबन जो है बाप का घर है, वो घर में मेहमान आते हैं ना। कहाँ से आते हैं? बाहर की दुनिया से ही आते हैं ना। बाप भी तुम बच्चों का मेहमान बनता है और बच्चे भी बाप के मेहमान बनते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है अश्वत्थामा अभिनेता है। मणि का अर्थ क्या है? परमात्मा आत्मा रूपी मणि। तो इतने पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें कोई आत्मा रूपी मणि को धारण करने वाला बच्चा नहीं है क्या? है कि नहीं? नंबर बात, एक अश्वत्थामा की बात नहीं है, एक द्रोणाचार्य की बात नहीं है, एक भीष्म पितामह की बात नहीं है, एक अर्जुन की बात नहीं है, एक भीम की बात नहीं है। सब नंबरवार पार्टधारी है। तो आत्मा रूपी मणि को जिन्होंने अच्छा अभ्यास करके धारण कर लिया, उनकी यादगार अश्वत्थामा बन गया। और सिर्फ आत्मा समझने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है क्या? अपन को आत्मा समझ के फिर क्या करना है? फिर बाप को पहचान करके बाप को याद करना। अगर बाप की पहचान होगी पूरी तो बाप की तरफदारी लेंगे, राम संप्रदाय के बनेंगे। और बाप की पूरी पहचान न हुई, बाप को पूरा पहचाना ही नहीं, सिर्फ आत्म की स्थिति धारण की तो बाप की तरफदारी लेंगे या कौरवों की तरफदारी लेंगे? तो अश्वत्थामा ने क्या किया? तो कौरवों की तरफदारी ली। आत्मिक पावर तो थी लेकिन परमात्म पावर नहीं प्राप्त कर पाए। अश्वत्थामा माना अश्व माना घोड़ा, मनरूपी घोड़ा, थामा माना थामा, स्थाई कर लिया, मनरूपी घोड़े को स्थाई कर लिया। तो उनके चित्र में मस्तक में आत्मा रूपी मणि स्थायी रूप से दिखाई जाती है। बाबा एक माता जी का प्रश्न है, क्या मजदूर डिस्ट्रक्शन करते हैं? मजदूर हाँ डिस्ट्रक्शन करते हैं। मजदूर कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। विजय माला में कंस्ट्रक्शन करने वाले होंगे या डिस्ट्रक्शन करने वाले होंगे? फिर ऐसा क्यों कह दिया? मजदूर कारीगर जो है, जो मकान बनाने वाले कारीगर होते हैं वो कंस्ट्रक्शन करते हैं क्या? फिर उनके साथ जो मजदूर होते हैं काम करने वाले वो कंस्ट्रक्शन नहीं करते। इसलिए ये बात तो रंग है कि मजदूर सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करते हैं। मजदूर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, मजदूर डिस्ट्रक्शन भी करते हैं। और बाबा शंकर को कहा गया है कि शंकर ब्राह्मण भी नहीं है और देवता भी नहीं है। शंकर को तो जनेऊ दिखाते हैं चित्रों में। चित्रों में शंकर को जनेऊ दिखाते हैं या नहीं? यज्ञों पर भी दिखाते हैं ना। तो भक्ति मार्ग में तो शंकर को ब्राह्मण मानते हैं। ऐसे तो नहीं कह सकते कि शंकर ब्राह्मण नहीं है। बाकी ज्ञान में कोई मुरली में ऐसे बोला है क्या? क्या शंकर को ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे। ये शंकर जो पात्र है वो कौन से युग का पात्र है? संगम में ब्राह्मण होते हैं या संगम में देवताएं होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। और ब्राह्मण फरिश्ता भी बन सकते हैं। तो ऊंच से ऊंच पार्टधारी ब्राह्मण है, फरिश्ताई स्टेज प्राप्त करने वाला ब्राह्मण है, लेकिन उसको देवता नहीं कहेंगे। भगवान भगवती का जो पार्ट है वो संगम युग में होता है या सतयुग में होता है? संगम में होते हैं भगवान भगवती और सतयुग में होते हैं देवी देवता। और बाबा भक्ति मार्ग में कहते हैं वो शालिग्राम छोटे शालिग्राम की पूजा होती है। स्त्री स्त्री की नहीं चलती है, स्त्री करे तो नहीं चलती, उसको नहीं छीना। इसका अर्थ क्या होता है? भक्ति मार्ग में तो शिव की भी पूजा करने के लिए मना करते हैं स्त्रियों को। शालिग्राम की पूजा नहीं चलती। हाँ, शालिग्राम की पूजा, शालिग्राम भी लिंग है और शिव का भी लिंग है। तो भक्ति मार्ग वाले जानते ही नहीं है कि यादगार किस बात की है। शिवलिंग जो है वो किस बात की यादगार है? सन्यासी लोग कहते हैं उस स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी। बाप कहते हैं अरे वाह, शिवलिंग की तो खूब पूजा करनी चाहिए। इसका मतलब अर्थ को नहीं समझते। शिवलिंग का अर्थ क्या है? निराकार स्टेट। ऐसे ही शालिग्राम का अर्थ क्या है? निराकारी स्टेट। ऐसी निराकारी स्टेट जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए गए हैं, जैसे कि इंद्रियों की स्मृति भूली हुई है। हाँ, हाथ उठा दीजिए। हाँ, भगवान वामन अवतार लिया। हाँ, भगवान के मनुष्य रूप में दिखाते। हाँ, मनुष्य रूप में हाँ है वही अवतार। हाँ, वामन अवतार भी मनुष्य के रूप में है। लेकिन जब बड़ा रूप धारण किया तो मनुष्य रह गया है? ओके, वो तो इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि 3 पाँव में सारी पृथ्वी नाप ली, सारा राज्य ही नाप लिया। भारत में राजा अशोक किसका राज्य था? हाँ, बौद्धियों का ही राज्य था ना, बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था ना। ऐसे नहीं कि जो धर्म पिता आता है उसके आते ही बौद्ध धर्म शुरू की राजाई शुरू हो जाती। वो जो भी धर्म पिताएं आए हैं उन्होंने आकर के राजधानी और राज्य स्थापन ही नहीं किया। उनके बहुत वर्षों के बाद 200-400 वर्षों के बाद उनकी जब संख्या बहुत बढ़ जाती है तब राजाई की शुरुआत होती है। और पारे की लिंग की महिमा सबसे ज्यादा है। पारा पारा है, इसकी महिमा ज्यादा है भक्ति मार्ग। पारा पारसनाथ पारे से बनाया हुआ लिंग की जाति महिमा है। ऐसे पारे से बना हुआ पारा तो ठहरता ही नहीं है, उसका लिंग बना है भक्ति मार्ग का लिंग है। अर्जुन के लिए ये बताया है कि अर्जुन के रथ में भगवान आते हैं, बताया ना। जिस रथ में भगवान आवेगा उस रथ में जो भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में मुख्य काम विकार का सृजन करने वाली इंद्रिय कौन सी है? लिंग ही है ना। तो जो लिंग इंद्रिय है वो अर्जुन के लिए दिखाते हैं कि 1 साल के लिए नपुंसक हो गया, माने इंद्रिय जैसे नहीं रही भाई, ऐसी स्टेज में उसे रहना पड़ा। तो पारा तो हो गया, जैसे पारा है पकड़ में आता है क्या? पारा पकड़ में ही नहीं आता, ऐसी वो स्टेज बन गई पकड़ में ना आने वाली। सोने का स्वर्ण लिंग बनाएंगे वो भी पकड़ में आ जाएगा, रजत लिंग बनाते रहे वो भी पकड़ में आएगा, ताम्र लिंग बनाएंगे वो भी पकड़ में आएगा, लौह लिंग पत्थर लिंग बनाएंगे वो भी पकड़ में आएगा, लेकिन पारा तो हाथ में नहीं आता। हाँ, और अर्थ यही है कि उसको उस समय ऐसी निराकारी स्टेज में रहना पड़ा। किसको? अर्जुन को। कैसी निराकारी स्टेज में? कि था इतना वीर्यवान, हाँ था इतना वीर्यवान, फिर भी उसने 1 साल कौन सा पार्ट बजाया? वो पार्ट कौन सा बजाया? राजा विराट के दरबार में, हाँ, ब्रह्मनला का पार्ट बजाया। अर्जुन के नाम गिनाए गए हैं क्या गीता में? अर्जुन के नाम गिनाए गए हैं, उनमें एक नाम क्या है? हैं? नहीं, उत्तम औजात से वीर्यवान। क्या नाम है? वीर्यवान है, वीर्यवान, लेकिन वो 1 साल वो लिंग नहीं काम करता। नपुंसक होके रहा, नहीं तो राजघराने में रह करके, रानी रनिवास में रह करके उनको पढ़ाई कैसे पढ़ाता? हाँ, ब्रह्मा और मुरली में कहा है ब्रह्मा एक ही होता है जो होते नहीं, तो फिर व्यवसाय दादा को ब्रह्मा कहते हैं, रामवादी आत्मा जिस ब्रह्मा हो गई। ये कौन से कहाँ से मुरली उठा ली? बेसिक की मुरली में है कि ब्रह्मा एक ही होता है। मुरली में तो बोला है ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा एक ही होता है। ये कहाँ से मुरली उठा रहे हो? उसकी तारीख वारीख निकाल के लाना, अगली बार इसी सभा में दिखाना। हाँ जी, और फिर झूठा सच्चा पकड़ना जो ब्रह्मा कुमारी ने कहीं छाप तो नहीं दिया मनमत को। हाँ, भगवान एक है तो भगवान की वाणी एक ही होगी या दो प्रकार की होगी? भगवान एक मुख वाला है तो एक ही बात बोलता है, दो बातें नहीं बोलता है। हो सकता है कि आपके समझने में कोई गलती हुई है। और ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं क्या? इसलिए तुमको लिखना चाहिए क्या ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा एक ही होता है। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, माने ब्रह्मा के 4-5 मुख भी दिखाए गए हैं, उनमें प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। तुम किसकी औलाद हो? तुम ब्रह्मा की औलाद नहीं हो, नहीं शिव बाप की औलाद। शिव बाप की औलाद साकार होगी या निराकार? निराकार होगी। और फिर जगन्नाथ भाई है निराकारी स्टेज में रहते हैं। जगन्नाथ नाम किसका है बताओ तो? है प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। अरे अभी किसका नाम है? या शिव बाबा है आप? हैं? और बाबा शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। शंकर जो है वो ऐसा पात्रधारी है जो याद में रहता है। क्या करता है? शिव का याद में रहता। जो चित्र दिखाए गए हैं, चित्रण किया गया है, वो चित्र याद के दिखाए गए हैं ना मोस्टली। तो जो याद के चित्र दिखाए गए हैं, वो याद कोई काम है क्या कर्मेंद्रियों से किया हुआ? हा? याद कर्मेंद्रियों से की जाती है क्या? काय से की जाती? मन बुद्धि से याद की जाती। इसलिए बोला है शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं, वो तो याद में रहता है। हाँ, कुरान में लिखा हुआ है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा होता नहीं, लेकिन खुदा खुदा होता नहीं कहा। इसका अर्थ है कि शिव का नाम शंकर के साथ ही जोड़ा जाता है। शंकर ही आदम है, शंकर को भगवान मत कहो, वो तो देवता है, फरिश्ता है। क्या शंकर कहो, आदम कहो, एडम कहो? हिंदुओं में शंकर नाम दे दिया आदिदेव, मुसलमानों में आदम, क्रिश्चियंस में एडम, और जैनियों में आदिनाथ। वो नाम के सामने से ही पता लग जाता है कि जो आदम है वो सब धर्मों में एक ही है। सृष्टि का पहला मनुष्य वो खुदा नहीं है। क्या खुदा माने? खुदा माने जो खुद ही सब कुछ कर ले। क्या सारी दुनिया धोखा दे दे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और वो एक तरफ हो जाए, तो भी वो अपना काम करके छोड़ेगा? सारी दुनिया की उसको फिर भी परवाह नहीं। वो खुद ही आता है, किसी के बुलाने से आता भी नहीं, खुद ही आकर के अपना परिचय देता है। कोई उसका परिचय दे ही नहीं सकता। ऐसा कोई नहीं, उसको कहते हैं खुदा। इसलिए वो कहावत बनाई हुई है, आदम को खुदा मत कहो। माने शंकर कोई खुदा नहीं है, तो बेसिक नॉलेज में भी समझाते चले आए कि शिव शंकर एक नहीं है, शिव शंकर अलग अलग है। शिव भगवान है और शंकर देवता है। तो आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, गॉड फादर है ही नहीं। लेकिन जो नूर है, जो रोशनी है, जो चमक है, अविनाशी चमक, उस चमक से वो आदम अलग नहीं है। और आत्माएं सब अलग हो जाती है संगमयुग में। क्या निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है कि नहीं? और आत्माएं सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती हैं, उस नूर से अलग हो जाती है। लेकिन आदम शिव कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, उसके नूर से अलग अलग नहीं होता। इसलिए 33 करोड़ देवताओं में से सिर्फ एक ही है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो जुदा नहीं हुआ होगा, इसीलिए तो जोड़ा जाता है, नहीं तो औरों का भी नाम जोड़ देना चाहिए। अरे ब्रह्मा है, विष्णु है, जगदम्बा है, ढेर सारे ढेर के ढेर देवताएं हैं, देवी देवताएं, किसी का नाम शिव के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि वो एक ही ऐसा पुरुषार्थी है याद करने वाला जो खुदा के नूर से, खुदा की याद से जुदा कोई उसको कर ही नहीं सकता। अगर जुदा कर दे तो माया रावण को जीतने वाला कहा जाएगा या हारने वाला कहा जाएगा? हाँ? नहीं, अगर आदम को भी खुदा की याद से कोई जुदा कर दे, नूर से जुदा कर दे, कोई माने माया रावण, तो माया रावण को सर्वशक्तिमान कहेंगे सदा के लिए? नहीं कहेंगे। माया रावण जो है वो एक सर्वशक्तिमान बाप से ही हारता है, और वो सर्वशक्तिमान इस सच्ची पर प्रैक्टिकल में कार्य करता है या हवा में काम करता है? प्रैक्टिकल में कार्य करता है। इसलिए सर्वशक्तिमान टाइटल दो के हैं, एक माया और एक बाप। बाबा कहते एक दिन मैं गरीब निवास में, मैं गरीब लोग को आकर उठाता हूँ। तो जब ब्रह्मा के दर में बाबा है, भले वो माँ के रूप में क्यों न हो, माँ के रूप में क्यों न हो, ब्रह्मा को उन्होंने ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा क्या गरीब निवास में, सब जानते हैं, वो तो करोड़पति थे, लखापति थे, हीरों के, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े व्यापारी थे। उनके नाम की दुकानें आज भी बड़े बड़े शहरों में, लखी दादा लखीराज की दुकान, लेखराज की दुकान, पुरानी दुकान लेखराज की दुकान, ये नाम से प्रसिद्ध हो रही दुकानें। तो वो कोई गरीब नहीं थे। उनके तन में आकर के भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता हुआ, भगवान नहीं प्रत्यक्ष होता। भगवान जो है वो किसको मिलता है? कोई गरीब है नंबर वार, उन गरीब बच्चों को ही भगवान मिलता है। और उस समय जो भागीदार था उनका, वो वास्तव में गरीब व्यापारी था हीरो का, लेकिन उसकी बहुत छोटी सी दुकान थी, और सच्चा व्यापारी था। लेकिन झूठे हीरों के बाजार में कोई छोटी दुकान निकाल के सच्चा हीरा बेचने वाला बैठ जाए तो उसकी क्या हालत होती है, सब लोग क्या समझेंगे? ये भी कोई झूठे हीरा बेचने वाला होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए मुरली ने बोला 10 साल से बाबा के साथ रहने वाला, माना सन 26 से ही बाबा की दुकान में नौकर था। मैनेजर को भी क्या कहते हैं? नौकरी कहेंगे। पहले साधारण नौकर था, जब उसकी योग्यता देखी बाबा ने कि ये तो बहुत होशियार है तो आधा साधा कर लिया, पहले मैनेजर बना दिया और बाद में आधा साधा करके अपने सत्संग में बैठ गए। इसलिए तो बोला आलस को मिला अल्लाह और बे को मिली झूठ की बात बताई। ये सारा ब्राह्मण परिवार के कंट्रोल करने की जो बादशाही है ये झूठी बादशाही है या सच्ची बादशाही है? ऐसा झूठी बादशाही है। बाबा तो आके 2500 साल की बादशाही देते हैं। जोनल इंचार्ज बन के बैठ जाना, विदेश का इंचार्ज बन के बैठ जाना, अहंकार में आना विदेश का इंचार्ज हूँ, यूपी जोन का इंचार्ज हूँ, गुजरात का इंचार्ज हूँ, तो लकब मिला ना। ये झूठी बादशाही है इस दुनिया की। या इस सेंटर का इंचार्ज हूँ, ये अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। इंचार्ज हम सिर्फ किसके हैं? सेवा के इंचार्ज, किसी के ऊपर आर्डर चलाने के इंचार्ज नहीं है। तो अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली झूठ ही बात चाहिए। तो किसको अल्लाह मिल गया है? सेवा कराम को अल्लाह मिल गया। अब ब्रह्मा बाबा को गधाई मिल गई, इनको पालो बैठ करके। मुरली में भी बोलते थे इनको तो बहुत औना रहता है इतने बड़े बारात को पालने का, तुम तो मेरे से भी याद में जास्ती आगे जा सकते हो। कौन? तुम बच्चे मेरे से भी याद में जास्ती आगे जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतनी बारात को पालने की जिम्मेवारी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो ढेर सारी जिम्मेवारी थी, इसलिए शिव बाबा है धोबी। क्या शिव बाबा धोबी है? तो उसका गधा भी होगा कोई, गधे के ऊपर ढेर सारे कपड़े डाल दिए जाते हैं। ये गोरख धंधा लगा हुआ है। बाकी कहे शंकर क्या करता है? शंकर को परवाह नहीं गोरख धंधे की, ध्यान में है। ध्यान में गोरख धंधा का मतलब क्या है? गौ माने कन्याएं माताएं, रख माने रक्षा, कन्या माताओं की रक्षा करने की परवाह शंकर को नहीं है। ये किसका काम है? कौन सी आत्मा ये काम करती है? कृष्ण वाली आत्मा। कृष्ण वाली आत्मा भी जिम्मेवारी किसके ऊपर रखती है? गौवर्धन पर्वत। क्या वो 16,000 का जो पहाड़ का पहाड़ इकट्ठा किया, उसको धारण करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई? ये छोटी सी अंगुली के ऊपर। ये कमजोर होती है कि पावरफुल होती है? सबसे कमजोर उंगली है तो सहयोगी, लेकिन सबसे कमजोर सहयोगी है। ऐसी नवैया है लेकिन भगवान की है, इसलिए भले पहाड़ का वजन आ गया तो भी झुकने वाली नहीं है। नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब चाहे उसको कनिष्ठिका अंगुली के रूप में दिखा दिया और चाहे तो पीपल के पत्ते के रूप में बता दिया, बात एक ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा मीठा कौन है ना? आत्मा के हिसाब से बताओ, दुनिया में सबसे जास्ती मीठा पार्ट किसका है? ब्रह्मा का, शिव बाबा का। शिव बाबा है मीठे से मीठा, तो वो हो गया गुड़ है, और जिसमें प्रवेश करता है वो हो गई गोथरी। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा छोटे को जो भी न्याय मिलता है और सच्चे को जल्दी क्यों नहीं मिलता? सच्चे पर आने ही क्यों हो जाता है? सच्चे के ऊपर आने क्यों हो जाता है? सत्य के ऊपर अन्याय बहुत होता है और झूठ के ऊपर अन्याय ज़्यादा है। हाँ, जो इस जन्म में कहते हैं कि हम सच्चे हैं, हैं? ये झूठ की दुनिया है या सत्य की दुनिया है? हैं? झूठ की दुनिया में सच्चा कहाँ से आएगा? पहले तो वो खुद ही झूठ है जो कहता है हम सच्चे हैं, हमारे ऊपर बहुत आफतें आती हैं। अरे सच्चे तुम इस जन्म में रहे होगे, पिछले जन्म में सब जन्मों में सच्चे रहे थे। जो इस जन्म में एडवांस पार्टी वाले कहे हम सच्चे हैं, सच्ची बात बताए रहे, वो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं पिछले जन्मों में राजाएं रही हैं या गरीब बन के रही है, और राजाएं सच्चे थे, सारे झूठे थे। तो हिसाब किताब पूरा नहीं होगा, है? पूर्व जन्मों का सारा हिसाब किताब, वो झूठ है जो धंधे किए हैं, वो यहाँ आखिरी जन्म में आके पूरा होता है। और इस आखिरी जन्म में सच्चा तो कोई होता ही नहीं है। जो सच्चा होता है उसकी सत्यनारायण की कथा चलती है भक्ति मार्ग में। उसके लिए बोला है एक ही सच्चा और बाकी सब झूठे। बोला है कि जो संगम युग में ज्यादा संकल्प चलाते हैं, जास्ती संकल्प करते हैं, जिनका मन रूपी घोड़ा जास्ती दौड़ता है। हाँ, जास्ती मनन चिंतन मंथन करते हैं। हाँ, और कम संकल्प चलाते हैं, कम जन्म। अब जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा ही नहीं, वो मनन चिंतन मंथन ज्यादा करेगा। या जिसकी बुद्धि में ज्ञान माने पहचान, जानकारी, बाप की जानकारी बैठेगी, वो ज्यादा मनन चिंतन मंथन करेगा। कौन करेगा? जिसकी बुद्धि में बाप की जानकारी बैठी होगी वो ही मनन चिंतन मंथन करेगा। हाँ, पूछना क्या है आपका? है? हाँ, संकल्प ज्यादा और कम से मतलब नहीं है, सच्चे संकल्पों से मतलब है। सब संकल्प कितने हो रहे हैं? संकल्प तो किए, लेकिन मायावी संकल्प किए तो अंतर पड़ेगा कि नहीं? है? अच्छे संकल्पों के साथ बुरे संकल्प भी आते हैं, उसकी भी शूटिंग होती है। 63 जन्म लिए हैं, उन 63 जन्मों में कुछ अच्छा किया और बुरा भी किया। कोई आत्मा ऐसी है जिन्होंने बहुत अच्छा किया, कोई आत्मा ऐसी है 63 जन्मों में जिन्होंने बहुत बुरा किया। तो जो संगम युग में रील घूमती है 63 जन्मों की, क्या जो 63 जन्मों की रील घूम रही है, उसमें जब हम अच्छे संकल्प हमारे उदय होते हैं तो बढ़िया पुरुषार्थ होता है। कभी बुरे संकल्प उदय हो जाते हैं तो पुरुषार्थ डाउन हो जाता है। कितनी भी मेहनत करें तो भी पुरुषार्थ डाउन रहता है। इससे क्या साबित होता है? बुरे कर्म हमारे उदय हो रहे हैं, उस समय और तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। और बाबा लोग किसमें भी ब्राह्मण और ज्ञान में भी ब्राह्मण, उसका मतलब है क्या? मतलब क्या होता है? लौकिक में है भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण या ज्ञान मार्ग वाले ब्राह्मण? भक्ति मार्ग वाले ब्राह्मण। अभी तो मुरली में बोला वो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन उनका ब्रह्मा कहाँ है? जब ब्रह्मा की औलाद बने तभी तो ब्राह्मण हुए ना। जिन की औलाद हो तभी तो जैन हो, शिव की औलाद हो तभी तो शैव हो, विष्णु की औलाद हो तभी तो वैष्णव हो। तो ये झूठा कहते हैं या सच्चा कहते हैं? है? वो ब्राह्मण कहते तो हैं, आज ही तो मुरली में आया ना। तो क्या वो ब्राह्मण हैं वास्तव में? वो ब्राह्मण है ही नहीं। और यहाँ तो प्रैक्टिकल में ब्राह्मण है, क्योंकि हम ब्रह्मा की औलाद हैं। और सिर्फ ब्रह्मा की औलाद नहीं है, हम तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। तो अंतर नहीं हुआ, वो झूठे ब्राह्मण और हम सच्चे ब्राह्मण। और बाबा सत्यनारायण के मंदिर में सत्यनारायण और नर नारायण दो प्रकार के मंदिर होते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में दो प्रकार के मंदिर होते हैं। एक तो लक्ष्मी नारायण का चित्र रखा हुआ है सामने, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है मंदिर में, तो सामने लक्ष्मी नारायण का मंदिर लगा हुआ है, लक्ष्मी भी खड़ी हुई है, नारायण भी खड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाजू में एक और मंदिर भी होता है, उसको कहते हैं विष्णु का मंदिर। वो विष्णु में भी कौन कौन है, उसको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। क्या वो विष्णु जो है वो संगम की यादगार है या सतगुण बनने वाले संपूर्ण नारायण की यादगार? संगम की यादगार है। तो जो नर नारायण का मंदिर है वो नर नारायण का मंदिर, और जो 16 कला संपूर्ण सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो मंदिर, दोनों अलग अलग नारायण हैं, जोड़े अलग अलग हैं। दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, वो विष्णु का यादगार है। विष्णु का मतलब ही है चार हो जाए। ईश्वर के कार्य में चार आत्माओं ने सहयोग दिया, दो ने लेफ्ट रूप में और दो ने राइटियस रूप में सहयोग दिया। जो विष पीने वाला शंकर का पात्र है, जगदम्बा का रूप है, महाकाली का रूप है, उसे लेफ्ट में रखें या राइट में रखें? हा? जोर से बोलो ना, लेफ्ट में रखें। जो लेफ्ट हैंड है वो अच्छा काम करता है या राइट हैंड ज्यादा अच्छा काम करता है? राइट हैंड से अच्छा काम किया जाता है और लेफ्ट हैंड से खराब काम किया, उसे सब कोई करने के लिए तैयार नहीं होता। क्या इसलिए चार भुजाएं हैं विष्णु के रूप में, दो राइटियस और दो लेफ्ट। उनमें भी दो दो प्रकार की है, एक ऊपर वाली भुजाएं और एक नीचे वाली भुजाएं, एक ऊंचा कार्य करने वाली और एक चाहे राइटियस हो चाहे लेफ्टिस्ट हो। लेफ्टिस्ट में भी एक आत्मा एक भुजा है ऊंचा कार्य करने वाली। क्या दिखाया उसके हाथ में? लेफ्ट हाथ में शंख, ज्ञान शंख फूंक देती है, चारों तरफ प्रत्यक्षता की आवाज फैल जाती है, युद्ध की शुरुआत हो जाती है। वो कौन सी आत्मा है? वैष्णवी शक्ति, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का नारा है। जो घरगृह में रहने वाली कन्याएं माताएं हैं वो दूसरी पार्टी में चली जाएं, वो किला टूट जाए बाहर का परकोटा, तो भी राजा को कोई ज्यादा चिंता नहीं होती है। समस्या ज्यादा पावरफुल जो सैनिक हैं, पावरफुल जो हमारे साथी हैं वो तो अंदर के परकोटे में है, हमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब अंदर का ही किला टूट जाए तो फिर तो लड़ाई लड़ना ही पड़ेगी कि नहीं लड़ना पड़ेगी? ऐसे ही है। बीके में जो किला था ब्राह्मणों का, उसके दो परकोटे थे। परकोटे माने दीवाल, एक बाहर की दीवार घरगस्त में रहने वाले पुरुषार्थियों की और एक सरेंडर रहने वाले, सरेंडर होकर के रहने वाले अंदरूनी जो पुरुषार्थी हैं उनकी दीवार। तो अभी कौन सी दीवार टूटी है ऑल इंडिया में? जो बाहर का परकोटा है वो पूरा ही टूट गया और टूटता ही चला जा रहा है। अभी कौन सा टूटना बाकी रहा? जो अंदर का है, जो रुद्रमाला का परकोटा है वो सारा ही टूट गया, जो रह गया तो भी टूट जाएगा। अब कौन सा रह गया? जो विजयमाला में आने वाली ईंटें हैं वो परकोटा रह गया। अंदर का जो प्राचीर है, अंदर का किला और बाहर का किला, जो अंदर का किला होता है उसकी ईंटें, उसका पत्थर ज्यादा वैल्यूबल होता है या बाहर का ज्यादा वैल्यूबल होता है? हाँ? अरे राजा जहाँ रहेगा, निवास जहाँ बनेगा वहाँ अच्छी ईंटें और अच्छे पत्थर होंगे, संगमरमर के होंगे या साधारण होंगे? हाँ? हाँ, उसका नाम क्या रख दिया अच्छे से अच्छे पत्थर का नाम? संगमरमर का नाम रखा। संग में रहे लेकिन कैसे रहे? मरमर के रहे। यहाँ तो रुद्रमाला के बन के देखो, संग में रहने के लिए तो तैयार हैं, रहते भी हैं कंधे में चढ़के, कहते हमको साथ ले लेके चलो, क्या हमको भी टूर कराओ। ये तो इच्छा है लेकिन संग में रह करके मरमर के रहते हैं। नहीं समझ में आया? किसी के साथ रहना होता है तो उसके साथ रहना है तो बहुत सी इच्छाओं को मारना पड़ता है। तो उस पत्थर का नाम दिया है संगमरमर। तो अंदर का परकोटा अभी टूटा नहीं है, वो परकोटा भी टूटेगा। तो वैष्णवी शक्ति जो भारत माता शिव शक्ति अवतार है वो निकलेगी, और वो निकलेगी तो अकेले निकलेगी या शहद की मक्खियों की रानी निकलेगी? है वो तो शहद की मक्खियों की रानी बन करके निकलेगी। तो फिर जो अंदर बैठे हुए राजा जी हैं, राजा बन के बैठे हुए हैं, मुझे बताओ दे करके, उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? है गुस्से में पागल हो जाएंगे और उल्टे पलटे सारे कर्म करने लग पड़ेंगे। जैसे कोई को क्रोध आता है तो मारा मारी को उतर आता है, हत्या कर देता है और हत्या करवा देता है। ऐसा होता कि नहीं? हाँ। तो अभी तो बाहर का परकोटा टूटा है तो उनको कोई ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन जब अंदर के सरेंडर्ड हैंड टूटेंगे ढेर के ढेर, तो जो उनके ऊपर कंट्रोल करने वाले हैं दुर्योधन दुशासन, तो उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जबरदस्त गुस्सा आएगा। और पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं, और बड़े बड़े जो मतबे वाले बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े मल्टी मिलियनर हैं वो तो उनकी मुट्ठी में है कि नहीं है ही। तो अपनी ताकत का उपयोग करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। चल